दोस्तों सब्सक्राइब करो टेक्निकल यू को और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यू में। मैं योगेश, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जियो के प्राइम मेंबरशिप का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट था वो जियो की तरफ से आज आ चुका है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग तो मैं आपको बता दूं, अगर आप जियो के एग्जिस्टिंग प्लान यूज़र हैं तो आपको आने वाले नेक्स्ट ईयर के लिए ऑटोमेटिकली फ्री में 1 ईयर के लिए आपको बेनिफिट दे रहा है जियो। अगर आपने ऑलरेडी जियो का प्राइम मेंबरशिप परचेस कर चुके हैं आप 31 मार्च 2018 के लिए, तो उसके बाद में आपका प्राइम मेंबरशिप खत्म होने वाला था। तो आपका ये खत्म नहीं होगा, आपको बस एक माई जियो ऐप में जाना होगा, उसके बाद में वहाँ से एक रिन्यूअल प्रोसेस होगा, छोटा सा वन क्लिक होगा। वहाँ पर वन क्लिक करने के बाद आपका जो जियो का प्राइम मेंबरशिप था वो ऑटोमेटिकली 1 ईयर के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, अगर आप ऑलरेडी प्राइम मेंबरशिप यूज़र है तो। ठीक है, अगर आप न्यू यूज़र है तो आपके लिए वही प्रोसेस है, आप अगर फर्स्ट रिचार्ज करते हैं तो आपको 99 का ही करना होगा। अगर आपका ऑलरेडी प्राइम का रिचार्ज कर चुके हैं आप तो 1 ईयर के लिए आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। बट आपको यहाँ पर एक माई जियो ऐप का एप्लीकेशन है, वो मैं आने वाले समय में आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको माई जियो ऐप में जाकर वो रिन्यू करना है, वो शायद कल या आज एक दो दिन में आ जाएगा। ठीक है, तो उसका भी प्रोसेस मैं आपको एक दो दिन में बता दूंगा, वो जल्द से जल्द मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर देखिए दो ही चीज़ें ख्याल में रखनी, अगर आप न्यू सिम परचेज करते हैं तो आपको 99 रुपीज़ पेड करना है, अगर आपका ऑलरेडी एक जो जियो प्राइम मेंबरशिप का प्लान है 99 रुपीज़ का, आपके सिम कार्ड पर अगर ऑलरेडी वर्क कर रहा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है नया रिचार्ज करने की प्राइम का, वो ऑटोमेटिकली आपको माई जियो ऐप में जाना है, वहाँ पर वन क्लिक करना है, उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली आपको जो डाटा होता है जो प्राइम मेंबरशिप का वो ऑटोमेटिकली 31 मार्च 2019 के लिए वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो आने वाले एक साल के लिए बिल्कुल आपको फ्री मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जियो ने यहाँ पर बहुत सारा टाइम लगा दिया, और एक्चुअल में ये जियो प्राइम क्यों लेता है, जो प्राइम के जो आपसे 99 रुपीज़ लेता है तो ये क्यों लेता है आपको, मैं आपको बता देता हूँ। वो इसलिए लेता है जो जियो टीवी होता है, जो जियो म्यूजिक होता है, जो जियो सिनेमा होता है, तो उसके जो प्राइम जो आपको अकाउंट की जो डिटेल्स होती है, जो भी प्रोग्राम दिखाते हैं उसका वो सब्सक्रिप्शन रेट होता है जो 99 रुपीज़ आपकी तरफ से लिया जाता है। ये कोई SMS जाने के यानी कि सिम कार्ड चार्जेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे यूज़र लोग बोल रहे हैं कि ये सिम कार्ड चार्जेस लेते थे, ऐसा कोई नहीं है, ये बस आपके सब्सक्रिप्शन चार्जेस है जो कि जियो सिनेमा, जियो टीवी और जियो म्यूजिक के चार्जेस है, चाहे जियो मैगजीन हो तो जियो क्लाउड हो, इसका ये सब्सक्रिप्शन चार्ज है जो कि आपकी तरफ से लिया जा रहा था। तो कुछ इस तरीके से था वो जियो प्राइम का, जो कि आपको वन ईयर के लिए ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर दिया गया है। आपको कुछ भी नहीं करना है माई जियो ऐप में, वो माई जियो ऐप ओपन करना है, वहाँ पर वन क्लिक करना होगा, वो 1 ईयर के लिए वो एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर न्यू यूज़र है आप तो आपको तकरीबन 1 मार्च 2018 के बाद में अगर कोई सिम कार्ड परचेस करते हैं तो आपको 99 रुपीज़ का रिचार्ज करना ही होगा। तो आने वाला प्रोसेस किस तरीके से होगा, माई जियो में जाने के बाद किस तरीके से आपको क्लिक करना होगा, उसका भी वीडियो मैं आपको जल्द से जल्द दे दूंगा। तो इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।